नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार के कई जिलों में बनाए जा रहे हैं रोपवे। बिहार में कोरोना काल के बाद लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में देश विदेश के पर्यटकों की भीड़ हर साल लगभग 20% की दर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बिहार के लिए काफी खुशी की बात है। आपको बता दें, इसमें राजगीर, नवादा, गया, बोधगया और नालंदा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। वहीं इसी क्रम में राज्य सरकार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होता देख बिहार के अन्य जिलों में भी रोपवे बनवा रही है। बिहार के राजगीर में रोपवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही लोगों के लिए इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बांका में भी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किले पर रोपवे का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिले के अंतर्गत मुंडेश्वरी पर्वत पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं गया के ब्रह्मयोनी पर्वत पर भी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही दुगेश्वरी पर्वत पर, प्रेमशिला पर्वत पर भी इसका निर्माण अभी किया जा रहा है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग ने एक बार फिर जीत लिया दर्शकों का दिल। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5 पर आज फिल्म कागज को रिलीज कर दिया गया है। सतीश कौशिक की तरफ से निर्देशित इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही खुद सतीश कौशिक, मोनल गजर, मीता वरिष्ठ, अमर उपाध्याय, नेहा चौहान, संदीप धर, विजेंद्र काला जैसे कलाकारों ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म का ट्रेलर कई दिनों पहले ही रिलीज किया गया था। उसके बाद से ही पर्दे पर कमाल की अदाकारी करने वाले पंकज त्रिपाठी के फैंस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह पूरी फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो असल जिंदगी में तो जिंदा होता है मगर कागजी दस्तावेज में उसे मृत घोषित किया जाता है। पटना में स्टेट हाईवे पर ट्रकों से 50 रुपए वसूलना दरोगा और पुलिस कर्मियों को पड़ा महंगा। बिहार में राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके में बने स्टेट हाईवे 83 से गुजरने वाले ट्रकों से 50 रुपए वसूलना महंगा पड़ा है। ऐसा करने वाले दरोगा और जिला पुलिस बल के दो जवान प्रदीप कुमार रजक और अभिजीत कुमार को SSP ने सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, तीनों पुलिस कर्मियों और थाने की गश्ती गाड़ी के निजी चालक नीतीश कुमार के खिलाफ रंगदारी से रुपया वसूलने और अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि SSP उपेंद्र शर्मा ने की है। आपको बता दें, मसौढ़ी के बीघा मोड़ पर पुलिस वाले मंगलवार की देर रात चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रहे कुछ जागरूक युवकों की नजर वसूली कर रहे पुलिस कर्मियों पर पड़ी। ट्रक से लेकर हर एक छोटे बड़े व्यावसायिक वाहनों को रुकवा कर पुलिस के जवान पैसे की वसूली कर रहे थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार सख्ती से कर रहे हैं काम। बिहार पुलिस के कामकाज पर अब CID की नजर रहने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर साफ कहा है कि कहीं भी अप्रिय वाक्य हो रहा है उन सबकी जानकारी रखना और उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं उसकी भी CID निगरानी करनी है। किसी भी क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं तो उसे भी देखना है कि क्या कारण है। दो टुक उन्होंने आगे यह भी कहा कि कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां कहीं भी कमी होगी तो संबंधित अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हर चीज को स्वयं भी देखते रहेंगे ताकि दफ्तर में कोई इत्मीनान से बैठा ना रहे। 8 जनवरी से बिहार में सताएगी सर्दी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार में अगले 24 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने वाला है। बादल छट जाएंगे और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। पछुआ हवा का जोर बढ़ने से कपाने वाली सर्दी के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम हिमालय क्षेत्र पर नए सिरे से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आसार देखे गए हैं, यानी कि 1-2 दिन बाद सूबे के मौसमी सिस्टम में तेजी से बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों में, बिहार के कई जिलों में बादल देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। मिली जानकारी के अनुसार गया, जहानाबाद, भोजपुर सहित अन्य जगहों पर मौसम में बदलाव देखा गया है। पटना के नए DM ने लिया कड़ा एक्शन। पटना के नए DM चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत उन्होंने 25 कर्मियों का वेतन रोक दिया है। कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में से सभी कर्मी अपने ऑफिस से गायब मिले थे, जिसके कारण ही DM ने उनके खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो ऐसे कर्मचारियों को डिटेक्ट कर उन पर कार्रवाई करें। आपको बता दें, पटना के नए DM चंद्रशेखर सिंह ने जब अपने कार्यालय में निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी कर्मी अपने अपने ऑफिस से गायब है। आज बिहारी बर्थडे
स्पेशल में हम बात करेंगे ज्ञानंजन की। ज्ञानंजन जी का जन्म आज ही के दिन बिहार के गया जिले में हुआ था। ज्ञानंजन की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे और एक समाज सुधारक थे। वो अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के पहले ही राजनीति और सामाजिक सुधार की जद्दोजहद में थे। वो 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन की ओर आकर्षित हुए थे। हालांकि वे ब्रह्मो आदर्श से बहुत प्रभावित थे और उन्हें जीवन में लागू करने की कोशिश भी करते देखे गए थे। उन्होंने ऑफ बैंड ऑफ होप नामक एक युवा संगठन का गठन किया था और 1916 में टेम्परेंस फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो मादक पेय के सेवन के खिलाफ आंदोलन था। जीतन राम मांझी बने रहेंगे हम के राष्ट्रीय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बीते दिनों हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर जल्द ही आम सभा किए जाने की बात कही गई है। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीते दिन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की। बैठक में सहमति बनाई गई है कि मांझी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे भी बने रहेंगे। मांझी के आवास पर ही बैठक को संपन्न करवाई गई। आयोजित बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांझी ने कहा कि हम चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में एनडीए एक साथ चुनावी मैदान में उतरे, खासकर जदयू और हम साथ मिलकर के मैदान में उतरे ही। इसके लिए वो जल्द ही जदयू से भी संपर्क साधने वाले हैं। ताहिन उन्होंने पश्चिम बंगाल, दिल्ली और झारखंड में पार्टी के संगठन को मजबूत किए जाने की बात भी कही है। कांग्रेस में टूट की चर्चा से गरमाई सियासत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान। कांग्रेस में टूट की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर ही पार्टी के पूर्व विधायक भरत सिंह के बयान से बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर दावे प्रतिवादे भी किए जाने लगे हैं। पार्टी का एक खेमा इस चर्चे को हवा देने में भी लग गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया है और हम इस तरह की चर्चा पर ध्यान नहीं देते हैं। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी। कांग्रेस विधायक दल में बड़ी टूट होने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 11 विधायकों का धरा टूटकर जदयू में जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस बात की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है कि जो भी विधायक जदयू में टूटकर जाने वाले हैं वो जदयू के वरिष्ठ नेता सांसद ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के करीबी हैं। भाजपा और जदयू एमएलए के वायरल ऑडियो पर शुरू हुई राजनीति। बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर से भाजपा विधायक ईशालेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच का ऑडियो बाहर आया है, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल भाजपा और जदयू में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह पूरा मामला गोपाल मंडल द्वारा एक जाति पर वोट नहीं देने के आरोप लगाने के बाद नवगछिया अनुमंडल में विरोध शुरू हो गया था। भाजपा की तरफ से नवगछिया में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जताई गई है। वहीं जदयू ने गुरुवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। वायरल ऑडियो में गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज द्वारा अभिनंदन समारोह में नहीं बुलाने और चुनाव में जदयू का विरोध करने वाले नेताओं को शामिल करने पर नाराजगी जताई गई है। मायावती और सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी थी, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीते दिनों पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब लोगों को मांग करने का अधिकार है, उन लोगों के पास तो पहले सरकार थी ही, आज मांग कर रहे हैं, पहले ही दिलवा देते। मंगलवार को कांग्रेस के महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर मायावती और सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की थी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर मायावती और सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की थी। रावत का कहना था कि सोनिया गांधी को आज भारत की नारीत्व का गौरवशाली स्वरूप माना जाता है, जबकि मायावती ने वर्षों से पीड़ित शोषित लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास का संचार किया है। अगले 10 दिनों में राजद कर सकता है दो बड़े सियासी बैठक। राजद अगले 10 दिनों में दो बड़ी सियासी बैठक करने जा रहा है, जिसके तहत पहली बैठक 11 जनवरी को प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ होगी, तो वहीं दूसरी बड़ी बैठक 15 जनवरी को प्रस्तावित की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश प्रदेश पदाधिकारियों को दे दिया है। इन दोनों बड़ी बैठकों में सिर्फ सियासी रणनीति ही बननी है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी उसी तरफ आक्रामक होने जा रही है जिस तरफ वो विधानसभा चुनाव से पहले आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी, खासतौर पर चुनावी सभाओं में और संगठनों को और कैसे प्रभावी बनाया जाए इस पर चर्चा होगी। अगले 1-2 दिनों में तेजस्वी पटना आ रहे हैं। 11 जनवरी को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी 15 उपाध्यक्षों के साथ विशेष बैठक भी होगी। चिराग पासवान को छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ रही है भाजपा। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम विरोधों के बावजूद भाजपा चिराग पासवान से पलड़ा झाड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। खबरों की माने तो खरमास के बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सुशील मोदी को भी शामिल किया जा सकता है। सत्ता के गलियारे में हो रही चर्चाओं के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर सरकार और
संघ से जुड़े लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी की इस सरकार के बने 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस विस्तार में असम और बंगाल चुनाव को देखते हुए नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर भी किया जा सकता है। इसके साथ ही चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा शुरू हो गई है। सिडनी में सिराज का दिखा देश के लिए जोश, आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मैच से ठीक पहले मोहम्मद सिराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रहे हैं। तीसरे टेस्ट के आगाज से ठीक पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का जोश भी वैसा ही देखने को मिला। उनके अंदर कई बातें उमर घुमर करने लगी थी, कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे थे। यह पूरा मामला राष्ट्रगान के वक्त का था। टीम इंडिया के बाकी सदस्यों की तरह सिराज भी राष्ट्रगान गा रहे थे। इस दौरान सिराज के चेहरे के भाव बाकी खिलाड़ियों की तुलना में थोड़े अलग दिखे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में किस टीम का पर्रा आपके अनुसार ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।